इस क्वेश्चन में हमें एक कम्पलेक्स नंबर दिया है हमें इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है पहले हम मॉडुलस निकालते हैं इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं पहले ये z है मेरा इसको मैं कंपेयर करता हूँ x प्लस आयोटा वाई से x होती है मेरी रियल टर्म यहाँ पर रियल टर्म होगी माइनस रूट थ्री और y होता है मेरा जो इमेजनरी टर्म होती है आयोटा के साथ मेरा वन है यहाँ पे तो y होगा वन मॉडुलस होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको पुट कर देते हैं ये मेरा आएगा रूट ऑफ फोर यानी टू तो मॉडुलर्स की वैल्यू आ गई टू अगला मेथड करते हैं अब हम मॉडल्स निकालने का ये मेरा कुछ ऐसा होता है मुझे z गिवन है मैं अब मान लेता हूँ कि z की वैल्यू है r cos थीटा प्लस आय साइन थीटा यहाँ पे जो r होता है वो मॉड्यूलस होता है जो थीटा होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है पहले हम यहाँ पे r यानी मॉड्यूल्स निकालते हैं यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन्स को कंपेयर करते हैं कुछ ऐसे मैं आर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा अब यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो यहाँ इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा इसका रियल पार्ट होगा मेरा माइनस रूट थ्री इसका रियल पार्ट होगा आर कॉस थिएटर तो ये दोनों इक्वल है ऐसे ही इसका इमेजनरी और इसका इमेजनरी इक्वल होगा इसका इमेजनरी होगा यहाँ पर वन इसका इमेजनरी होगा आर साइन थीटा ये दोनों इक्वल है इसे हम लिख लेते हैं रूट थ्री इज इक्वल टू तो आर कॉस थिएटा यहाँ हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स को तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाता है ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं वो मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा वन इक्वल टू तो आर साइन थिएटा इसको भी स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा वन इक्वल टू तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थिएटर यहाँ मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ऐड कर देता हूँ ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ इन दोनों में से मैं आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ अंदर बच जाएगा मेरा कॉस्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा कॉस्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा वन होता है ये मेरी आइडेंटिटी होती है तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी फोर तो आर आ गया रूट फोर यानी टू तो मेरा मॉडुलस आ गया टू अब हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम वही कंप्लेक्स नंबर जो इक्वल आए थे उन्हें देखते हैं यहाँ पे हम दोबारा रियल पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं यानी माइनस रूट थ्री इक्वल टू आर का थीटा आता है आर की वैल्यू हमें पता है अब हम आर की वैल्यू डालते हैं टू तो कॉस थीटा आ जाएगा मेरा माइनस रूट थ्री बाई टू ऐसे ही इमेजनरी पार्ट के लिए करते हैं वन इक्वल टू आर साइन थीटा है यहाँ पे भी आर की वैल्यू डालते हैं टू तो साइन थीटा आ जाएगा वन बाई टू तो मेरा साइन थीटा वन बाय टू आ गया कॉस थीटा माइनस रूट थ्री बाई टू आ गया हमें कोई ऐसी थीटा की वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें नोटिस करो यहाँ साइन पॉजिटिव है स नेगेटिव है हम यहाँ साइंस इग्नोर करके देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू होगी फिर वन बाई टू कॉस थीटा की रूट थ्री बाई टू तो साइन थीटा वन बाई टू होता है थर्टी डिग्री पे तो थीटा आ गया मेरा थर्टी डिग्री यहाँ पे साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव अगर मैं अपने क्वाड्रेंट्स देखूँ तो ये कुछ ऐसे होते हैं एड शुगर टू कॉफ़ी यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव सेकेंड में साइन थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस यहाँ पे साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो जो मेरा एंगल है आर्ग्यूमेंट वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वन एट्टी माइनस थीटा थीटा की वैल्यू थर्टी पुट करते हैं ये आएगा वन एट्टी माइनस थर्टी यानी वन फिफ्टी डिग्री इसे हम लिख लेते हैं अब ये जो डिग्री है इसे हम पाई में कन्वर्ट करते हैं मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ पाए वन एटी से ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा